लकड़ी को पेट्रोल में डुबा के, अबे क्या हो, जल गई जल गई जल गई, कितना घुप अंधेरा है यहाँ पर। ये मैंने टॉर्च नीचे किया तो महेश गायब, ये ऊपर लाइट में दिख गया। टीनेजर्स होते ना तो जब वो प्यार में पड़ जाते हैं तो किस तरह से बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं फिर निकल चुका हूँ एक नए एडवेंचर के लिए। तो मैं लगाने वाला हूँ आज टेंट नदी के किनारे, लेकिन इस बार मेरा ज़्यादा चलना नहीं होगा क्योंकि मैं नदी के किनारे एक मैंने लोकेशन ढूंढी है, वहीं पर मैं अपनी जिप्सी खड़ी करूँगा और जिप्सी के साथ में ही अपना टेंट पिच करूँगा, वहीं पर रात को सोऊँगा, खाना भी वहीं पर बनाऊँगा। तो चलिए दिखाता हूँ आज का आपको अपना बिल्कुल नया एडवेंचरस वीडियो। ये जो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक डेड एंड है, ये रोड बस ख़त्म हो जाती है यहाँ पर आके। ये इधर से एक कच्चा रास्ता है ज्योली गांव के लिए, पर मोटरेबल नहीं है और बिल्कुल जंगली इलाका है, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। और यकीन मानिए यहाँ पर लेपर्ड भरे पड़े हुए हैं, यहाँ पर बाकिंग डियर भी है और यहाँ पर सांभर भी मैंने देखे हुए हैं, पर अधिकतर यहाँ पर बाकिंग डियर, जो जिसे हमारे हिंदी में बोलते हैं काकड़ यहाँ पर बहुत हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी जहाँ टेंट पिच करना है उस जगह पे। यार जिप्सी हमने आगे लगानी है यहाँ से नीचे नदी के किनारे, ये पत्थर हटाने पड़ेंगे। ओ यहाँ पर ना ये थोड़ी झाड़ी वाड़ी हटा लो यार, ये पत्थर डालो यहाँ पर, फिर हम जगह प्लेन करके यहीं पर लगाना पड़ेगा। उठाओ उठाओ, टाइम कम बचा भाई, जल्दी करना पड़ेगा हमें। जगह को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, टेंट लगाने की जगह वहाँ पर बहुत उबड़ खाबड़ है तो कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत छोटी सी पहाड़ी नदी बह रही है। अगर छोटा टेंट होता ना मेरे पास तो सामने जो ये पत्थर है ना एकदम फ्लैट है, इसमें टू मैन टेंट तो इसके ऊपर ही लग जाए। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा इस पत्थर के ऊपर टेंट लगाने का। तो फिलहाल अंधेरा होने जा रहा है तो जल्दी से टेंट पिच करा जाए, पहले तो जगह ढूंढ लें टेंट लगाने की और लकड़ी भी इकट्ठा करनी है आग जलाने के लिए। हाँ भाई ये कैसे लगेगा यार यहाँ पर, प्लेन करना पड़ेगा। महेश भाई कह रहे हैं जो जगह हमने पहले चूज करी थी वहीं पर लगाते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत लगेगी उसको सीधा करने में। तो हमारे जो लड़के हैं ना वो मेहनत से डरते नहीं है, बस जो बोल दिया वो होना है। ट्रैकिंग पॉइंट तक अगर गाड़ी आ जाए ना तो उसका एक फायदा यह है कि सामान आप बहुत सारा लेके आ सकते हैं। यार लड़कों ने मेहनत तो बहुत कर ली पर फिर भी ये जगह मुझे टेंट लगाने के लिए ठीक लग नहीं रही है। इसमें यार नीचे से ना पूरा चुभेगा यार ये, क्योंकि फावड़ा होता तो हम ठीक कर लेते हैं ना इसको बहुत अच्छे से। देखो अच्छे खासे पत्थर हैं है और जो टेंट के नीचे की जो शीट होती है वो अलग से फट सकती है। एक काम करते हैं ऊपर चल गए, वहाँ पर तो हमें प्लेन है ना, वहाँ लगा ले गए, क्या दिक्कत है। आओ तो टेंट पिच करने से पहले थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा कर ले, नीचे से ना एक दो बड़े गिल्टे उठा लाते हैं, आपका रात का सहारा हो जाएगा यार। उधर से ले आओगे तुम एक आध गिल्टा मोटा, लकड़ी तो वहां बहुत है, मेन यहां से थोड़ा एक गिल्टा भी मिल जाए। क्या कह रहे हो, बड़ा गिल्टा में आ जाएगा ना। एक काम करो जाओ, महेश भाई हमारे एकदम स्लिम एंड फिट, मुझे भी यार वेट कम करना अपना।
अरे ज्यादा रिस्क मत लेना, दो तीन डाल फेंक दो नीचे बस। भाई साहब अपनी टीम में दो तीन लड़के हमारे अगर और ऐसे जुड़ जाए तो कैंपिंग करने का, जंगल जाने का मजा ही कुछ और हो जाए। फिलहाल देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। तो पीछे महेश लकड़ी लेके आ रहा है, अभी लकड़ी लेके आ रहा ना, लेकिन टेंशन मुझे हो रही है, यकीन मानिए। ठीक है, एडवेंचर वाला काम हम करते हैं, मज़ा आता है, पर जो लोग मेरे संग हैं तो मुझे ये टेंशन रहती है यार कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, क्योंकि इनको अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी सारी मेरी है। आराम से आना भाई, आराम से आ। आज जो ये गाड़ी बिल्कुल कैंपिंग साइट पे खड़ी करने की जो लिबर्टी यहाँ पर मिली है तो बड़ा सेफ फील हो रहा है। और मैं गाड़ी को ना आधा एक घंटा जब बिल्कुल अच्छे से अंधेरा हो जाएगा तो मैं इसको स्टार्ट रखूँगा। कैंपिंग में वैसे लाइट्स हमारे पास बहुत है, पर आज जिप्सी की लाइट में कुछ और ही यहाँ पर बढ़िया उजाला होने वाला है, और बहुत अच्छा जो टेंट का है वो व्यू भी बहुत अच्छा आने वाला है। थोड़ा पेट्रोल गाड़ी में कम था तो मैं केन उठा लाया था, तो मैं पहले जिप्सी में को स्टार्ट रखना है मैंने काफ़ी देर तक, तो मैं उसमें पेट्रोल भर ले रहा हूँ। जो फनल होता है कीप वो हमारे पास था नहीं, तो पेट्रोल के लिए हमने एक बोतल को काटा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने टेंट पिच क्यों नहीं किया है। मैं इसलिए पिच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो ये जगह है ये मोटरेबल यहाँ पर है, यहाँ पर तक गाड़ियाँ आ सकती हैं, तो कोई शराबी वगैरह आ गए इस समय और टेंट वगैरह लगा हुआ देखा तो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मुझे पता है आधे घंटे के बाद यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि इस जगह तक अपनी फोर व्हीलर में भी आए, तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और अंधेरा हो जाए उसके बाद तब जाके मैं टेंट लगाऊंगा। तब तक जो बाकी की जो तैयारियाँ हैं वो हमने अपनी पूरी कर ली हैं। चलो टेंट अब लगा लेते हैं। क्यों खोलो भाई, टेंट खोलो। तो सोनू भाई इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं माचिस। आप यकीन मानिए ये वीडियो में कुछ एक्साइटिंग करने के लिए नहीं, एक्चुअल में माचिस और लाइटर दोनों भूल चुके हैं, लेकिन इत्तेफाक से एक ये जो फ्लिंट होता है जिससे चिंगारी निकलती है ये मेरे बैग में पड़ा हुआ था, ये मैं एक बार पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो मैं अभी पेट्रोल हमारे पास है उसको हल्का सा किसी लकड़ी में पेट्रोल लगा के ये चिंगारी मार के देखते हैं, क्या पता जल जाए। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ लकड़ी को पेट्रोल में डुबा के। अबे क्या हो, जल गई। ये हमें सुनो, अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है ना, एक शीशी में पेट्रोल रख लिया ठीक है, और ये फ्लिंट से तुरंत काम हो जाने वाला है। मज़ा आ गया, आग जलाने के बाद भी ना जंगल में बड़ा एक सही महसूस होता है यार। अभी तक आग नहीं जली थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। एक आध गिल्टा और ढूंढ लाएं क्या, ये हो जाएगा इतनी लकड़ियों से। अब नहीं, रात भर घूमते थोड़ी ना रहेंगे। झिंगूर की आवाज़ सुनाई दे रही, कैमरे में भी आ रही होगी ना, वीडियो में सॉरी। कितना घुप अंधेरा है यहाँ पर, ये मैंने टॉर्च नीचे किया तो महेश गायब, ये ऊपर लाइट में दिख गया। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर इस समय कितना अंधेरा है। वैसे हमारी लाइटों की बिल्कुल जरूरत पड़ी नहीं है जिप्सी की वजह से। प्याज कॉल लिए हैं, यानी कि इनको ब्राउन कर लिया गया है, ये मसाले डाले जा रहे हैं। ये है पनीर, और कहाँ इसके नीचे कहाँ है मटर, तो बढ़िया मटर पनीर आज हम खाने वाले हैं। ग्रेवी ठीक ठाक, हाँ बहुत ज़्यादा ग्रेवी में बनाना, थिक ग्रेवी में बनाना। कुछ म्यूजिक लगा लिया जाए यार, क्यों माहौल हल्का हो जाएगा। ये जगह और जगह से ज़्यादा डरावनी यार। टीनेजर्स होते ना तो जब वो प्यार में पड़ जाते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, तो हर चीज में ओ, कोई भी बात हो तो ओ, समझ गए। हमारे वहाँ पहाड़ी में ओ कहाँ कहते हैं, पहाड़ियों में, खेतों में
बैलों से कहते हैं औ, औ, जब हल जोतते हैं ना, हल जोतते समय ना, और अब कोई लड़की या लड़के ने जाके बैल के बगल में औ कह दिया तो बैल चल पड़ेगा। एक बार क्या हुआ ना, मेरी सिस्टर ट्यूशन पढ़ा रही थी, मेरी सिस्टर ट्यूशन पढ़ा रही थी ना, हाँ? तो एक पहाड़ का बच्चा आया था, हाँ? तो मेरी सिस्टर ने उसे बोला ओ बोल, ओ ओ को, ओ को, तो बोलता है किले को, किले को, वो कहता है किले को, किले को, ओ को, तो किले को, किले को का मतलब हुआ कि क्यों कहूँ, क्यों कहना है। अभी एक और मजेदार किस्सा बताऊं तुम्हें, जब हम कॉलेज में थे ना, तो एक लड़की थी बड़ी सुंदर सी, तो उसके पीछे ना रोज एक दोस्त था, वह रोज जाता था उसके पीछे, महीनों से देख रहा था उसको। तो एक दिन गलती से मतलब उसने हिम्मत करी और चला गया उसके पास, और उससे पूछ लिया उसने, तुम्हारा नाम क्या है? अभी पहाड़ी आदमी ना सीधा साधा, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो पता कैसी आवाज आई, जो देख के वो सुंदर उसको देख के बड़ा खुश हो रहा था महीनों से, सीधा आवाज आई, नाम क्यों बताना होगा, बदनाम होना होगा क्या? अगले दिन से दिखाई नहीं दिया वो। तो इसका मुंह खुला था, आवाज निकली ना, सारा जो है उसका इश्क का जो भूत है वो वहीं खत्म हो गया। तो तुम भी किसी से पूछ मत देना बेटा ना, नाम क्या है, बेटा पता जवाब आए क्यों बताना होगा, बदनाम होना होगा क्या? दोस्तों कलर देखिए, पनीर का मसाला आग में ऐसा भून रहा है ना, और इसका जो टेस्ट आने वाला है यम्मी एकदम। अभी आजकल ना ये सब लाइट्स वाइट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इतनी इजीली मिल जा रही हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले ना एक ऐसी लाइट हमें मिल जाए कहीं से, सीरियसली बता रहा हूँ, मन ग्लैड हो जाता था। ढूंढ ढूंढ के लाते थे ऐसी चीजों को हम। ओहो रेडियो कहाँ से चलता है, कौन सी जगह से यार, मुझे लिंक बताना यार, बढ़िया है ये, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी उसका, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पहाड़ी रेडियो भी चल रहा अभी। यार ऐसे गानों में तो डांस हो जाएगा। टाइम क्या हो गया है, 9:30, 9:30 हो चुका भाई। टेस्टी यकीन मान लिया, उत्तराखंड का पहला ऐप बेस्ड डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड, ओहो रेडियो उत्तराखंड। इस माहौल में यार ये पहाड़ी गाने सुनने में भाई को कितना मजा आ रहा, आग में ना धीरे 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 बनता ना खाना, क्योंकि लकड़ी की जो भी स्मेल आती है, स्मेल नहीं वाला खुशबू, धीरे धीरे पकने में पता नहीं क्या बात है, इतना बढ़िया बनता है जो भी खाना बनाओ। अभी ना हम जिप्सी की लाइट बंद करके बैठे हुए हैं, हमने सोचा थोड़ी देर जंगल की आवाज़ों का मज़ा लिया जाए, और ऊपर देखिए वो चाँद दिखाई दे रहा है, सुन मज़ा आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हमारी सोने की तैयारी हो रही है, 10:30 बज चुके हैं, आज का दिन भी बड़ा हेक्टिक रहा था, तो फटाफट भाई सो जाए जाए, आ रही है नींद या कुछ गाने वाने सुनोगे अभी? ये आई रही फिलहाल, मैं तो आग के पास बैठूंगा अभी कुछ देर। तो फ्रेंड्स सोने का टाइम हो गया है, काफ़ी देर से हम लोग आपस में गप्पे मार रहे थे, इधर उधर की बातें आपको पता ही है, जब कैंपिंग या कुछ करने जाओ तो कहाँ की बातें कहाँ निकलती है खाली बैठे हुए, तो ये सामान अमान सब भाग छोड़ दो, वाला स्लीपिंग बैग भी ले आओ, मुझे तो यार इनफैक्ट बताऊं गर्म लग रहा है थोड़ा सा, ठंडा गर्म है, मैं इसलिए तो है? साथ मैंने कहा वैसी टोपी तो पहनने में, इस समय अब अभी टाइप का लेके आता, लेकिन इसको पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना ठंडा नहीं है ना, नहीं तो ले फिर फोन करते हैं, नहीं सॉरी
बंद करते हैं कैमरा को जी, सोते हैं और सुबह मिलते हैं दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। बंद करूं जी सर? चलो ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, सुबह 5 बजे ही उठ गया था मैं, लेकिन लेटा रहा। अब धीरे धीरे हल्का हल्का उजाला होने लगा है, तो मैंने टेंट का जो सामने का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया था। सोनू और महेश अभी भी दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं, जब इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। रात को खास ठंडा तो लगा नहीं। आग की क्या स्थिति है देखता हूँ, अगर कोयले बचे हैं कल के। अगर कोयले बचे हैं कल के तो आग नहीं जलानी पड़ेगी। एक आध कोयला दिख तो रहा है, पर बेहतर होगा कि पेट्रोल से ही जला लूँ तो बेहतर है। धीरे धीरे उजाला होने लगा है और नदी की आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही होगी। महेश और सोनू भी उठ गए हैं मेरी आवाज़ सुन के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुनो, ये इसको पकड़ दो जरा भाई, ये कुछ आग जला देते हैं फटाफट। वही पेट्रोल में डुबाया थोड़ा सा हमने लकड़ी को। यस, ये तरीका बड़ा सही मिला यार। रात को नींद बड़ी अच्छी आई, घर में कम से कम 11:30 बज जाते हैं सोते हुए, लेकिन यहाँ हम 10:30 बजे सो गए थे और जल्दी नींद खुल गई। वैसे भी सुबह दौड़ने की आदत है, खेलने की आदत है, तो वो आदत बड़ी काम आती है। सुनो जी, बात सुनो। हाँ जी, चाय पियोगे? ऐसी चले चाय पीने में बड़ी आदत, आप पियोगे तो मैं पियोगे। चलो एक काम करो, चाय पीते हैं, इधर से चाय रखो, साथ में अपना टेंट भी लपेटते हैं, चलते हैं यार। आज काम है कुछ, चाय और बिस्किट दोनों जोड़ीदार रेडी है क्या? क्या चाय? अरे नहीं नहीं, छानने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसी पियेंगे यार, हम जंगली आदमी है भाई। लाओ इस चाय में चीनी, इसमें हेलो, इसमें चीनी भी कम हो गई। चीनी नहीं लेते हमने, इसलिए कम डाली है। मैं कब चीनी नहीं लेता भाई, इसने कहा चीनी। अबे मीठा, यहाँ रोज मीठा चाहिए, दिन रात मीठा चाहिए। भागले जी के दाम वही हैं, दाम नहीं बढ़ा रहे, बस उसके पैकेट पैकेट साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। चाय भी हो गई, सुनो फटाफट चलो यार, अच्छा खासा उजाला हो गया, टेंट जो है पैक कर लेते हैं, सामान बाहर निकालते हैं। सामान हमने पैक करके निकालना शुरू कर दिया है बाहर, तो टेंट की पैकिंग चल रही है। तब तक मैं स्लीपिंग बैग्स और चेयर होकर, चलो स्लीपिंग बैग जो है और ये सामान जो है गाड़ी में डालना शुरू करता हूँ। तो जैसी जगह में हम आए थे वैसी ही जगह इसको दोबारा बना के जा रहे हैं। आप लोग भी आए, हमारे जंगल है, हमारी ज़मीन है, पिकनिक कीजिए, पार्टी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन जगह ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर पास में ही कई लोगों ने ना ग्लास बोतल सब यहीं छोड़ के गए हुए हैं। हाँ, दारू की बोतलें दिख रही हैं वहाँ पर, कोई आया होगा ना यहाँ। यही सबसे ख़राब बात है हिंदुस्तान में भाई साहब, हमसे ज़्यादा पिकनिक ना जंगलों में अमेरिका वाले और बाहर यूरोप वाले करते हैं, लेकिन जो मजाल की मतलब जगह गंदी करके जाएं, जहाँ पर भी बैठेंगे वो जगह साफ़ करके जाते हैं हमेशा। यार इसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है गिम्बल की, इससे पहले ख़त्म हो जाए एक चक्कर आओ नदी तक चल रहे। ठंडा पानी, हाँ।
गर्मी के दिन होते ना तो नहा के जाता मैं यहाँ से। तो अब वापसी की तैयारी हो गई है, सोनू भाई जिप्सी पैक कर रहे हैं, अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे अपने रिजॉर्ट। तो दोस्तों अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, जल्दी ही आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।